नमस्कार बच्चों, हर हर महादेव, सत श्री अकाल, आदाब। सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। ओके, तो चलिए बच्चों, क्या आप तैयार हैं? साथ में नोटबुक और पेन जरूर रखिएगा, चीजों को नोट करिएगा और खुद से प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है बच्चों? ओके, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक है विलियम चैप्टर, उसके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं, उनको हल करेंगे और समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हेनरी का नियम पढ़ चुके हैं, हेनरी के नियम की क्या बाउंड्रीज होती है, एक लिमिटेशन होती है, उनको कैसे लागू किया जाता है और उनके एप्लीकेशन क्या है, उनको भी हम लोग देख चुके हैं। ओके, आज हम हेनरी के नियम पर आधारित टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल परीक्षा में भी आते हैं। ओके, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। जैसा कि देखिए, क्वेश्चन है ये आपका, पहला ही मान लीजिए जो आपका एग्जांपल नंबर है। यदि N2 गैस, कोई N2 गैस है, ठीक है, को टेम्परेचर यानी 293 केल्विन पर, टेम्परेचर पर जल में से प्रवाहित किया जाए, इसका मतलब किसी गैस को लिक्विड में से प्रवाहित किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो कह रहा है 1 लीटर जल में, यानी कहने का मतलब ये है कि जल का आयतन दे दिया, कितना, 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलेय होगी, है ना। यदि N2 गैस का आंशिक दाब 0.987 बार है, बार जो है प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है, तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए KH का मान, KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, 76.48 किलो बार है, किलो बार है ना। अब देखिए यहां पे किलो बार है, ये बार है, तो इसको बार में एक ही यूनिट में कन्वर्जन करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए N2 गैस को जल में से प्रवाहित किया जा रहा है 293 केल्विन पर, टेम्परेचर सेम है, ठीक है, दोनों का, यानी गैस इन लिक्विड का है, 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस होगा, यानी 1 लीटर जल का आयतन कितना दे दिया है बच्चों, जल का आयतन जो है भी वो दिया है 1 लीटर, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है, N2 गैस के मोल कितने होंगे, गैस का मोल पूछ रहा है हमसे, किसमें चाहिए मोल, यदि आप निकाल ले रहे हैं तो उसको मिली मोल में निकालना है, किसमें, इन मिली मोल में, ठीक है। N2 गैस का आंशिक दाब, यानी आंशिक दाब P बराबर दे दिया है हमारे पास 0.987 बार, ठीक है, तथा इतने ही ताप पर N2 के लिए KH का मान, यानी हेनरी स्थिरांक KH बराबर दे दिया है 76.48 किलो बार, किलो बार को बार में कन्वर्ट करेंगे तो 76.48 1000 से गुणा करा दीजिए, 1000 से गुणा कराएंगे तो ये बार आ जाएगा, यानी गुणा करिए तो ये आएगा 7648 300 बार में आएगा। अब दो अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा लेंगे, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो ये आ जाएगा 76480 बार, कैच का मान आ गया, ठीक है, ये दे दिया है। अब बच्चों हम जानते हैं कि बाई हेनरीज फार्मूला जानते हैं ना, क्या करना, हेनरी का फार्मूला पता है आपको, P बराबर KH, मोल अंश है ना, मोल अंश है ये, X क्या है, मोल अंश है, ठीक है बच्चों, इसको निकालेंगे हम, यानी P का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास है 0.987 बार, केस का भी मान दिया हुआ है 76480 बार, और हमें निकालना क्या है, एक्स मोल अंश निकालना है, ठीक है, यानी मोल अंश अब निकालिए तो मोल अंश आ जाएगा
x बराबर ये क्या आ जाएगा आपका 0.987 बटे में 76480। ठीक है, अब देखिए तीन अंक के बाद दसमलव दसमलव हटा ले रहा हूं मैं, क्या करता हूं ऊपर भी 1000 से गुणा कर देता हूं और नीचे भी 1000 से गुणा कर देता हूं, ये दसमलव हट जाएगा 987.30 बटे यहां हो जाएगा 76480 30 बढ़ा लेंगे। ठीक है, यानी ये दसमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं, यानी 987/7648 ये चार जीरो है ना, तो 10 पर घात 4 जीरो लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब भाग दे देता हूं मैं, जब से ही भाग दूंगा आप देखिएगा 987 में 7648 से भाग दीजिए तो कितने, पहले तो भाग जाएगा नहीं, दसमलव बढ़ा लेंगे यानी ये जीरो आ जाएगा, तो कितने बार में जाएगा आपका, एक बार में जाएगा क्योंकि दो बार में तो ज्यादा हो जाए, 7648। ठीक है, 10 में से 8 जाएगा 2, यहां बचा 6 में से 4 जाएगा 2, ठीक है 8 में से 6 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, इतना हुआ, फिर से जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, कितने बार में जाएगा, ठीक है, अरे एक बार तो यहां लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है लिख लीजिए आप कितने बार में जाएगा, ये 22000 है और ये 7000 है। ठीक है, तो दो बार में 7 × 14 हो जाएगा, तीन बार में 3 × 21 ज्यादा हो जाएगा, यानी दो बार में ही जाएगा, तो 8 × 16 एक 4 × 8 2 × 8 = 16 के 6 हासिल, 4 × 8 = 9 6 × 12 के 2 हासिल, 7 × 14 = 15 यानी ये 10 में से 6 जाएगा 4 और ये आपका 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ 11 में से आपका कितना बचा बच्चों, ये देखिए यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा 2 हो गया, यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा 9, ठीक है यहाँ 11 में से 5 जाएगा 6 और ये एक 0। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा बच्चों, ये जाएगा आपका 8 बार में। ठीक है, 8×7 = 56 8 बार में जाएगा, यानी 8 और उसके ये आएगा टोटल ना आपका, ये आ जाएगा लगभग में 0.129 बटे आपका 1, 2, 3, 4। ठीक है, भाग देंगे तो दसमलव इधर आ जाएगा 4 अंक के बाद 0.0129, यानी ये x मूल अंश। ठीक है बच्चों, मूल अंश निकाल लिया आपने, ठीक है मूल अंश निकाला आपने, ठीक है, और चूंकि अभी क्या दिया हुआ है देखिए, तो हमारे पास आयतन दिया हुआ है, आयतन बराबर कितना दिया है 1 लीटर, यानी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10^3 घन सेमी हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी इसको भार कह लीजिए, तो भार बटे आयतन होता है, यानी भार का मान निकालेंगे तो V × D। आप जानते हैं कि जल का जैसे ही आयतन दिया हुआ है तो जल का घनत्व क्या होता है, जल का जो घनत्व होता है बच्चों कितना होता है, 1 g/cm³ होता है। ठीक है, तो यहां से जल का भार निकाल सकते हैं हम, इसलिए यहां से जल का भार निकाल लीजिए, जल का भार बराबर क्या हो जाएगा, आयतन गुणे घनत्व। आयतन कितना है बच्चों, यहाँ पे है आयतन 10^3 और घनत्व है 1 g/cm³, सेमीक्यूब से सेमीक्यूब कट जाएगा ये, यानी ये आ जाएगा आपका 1000 g। जल का भार आपने निकाल लिया, वैसा क्यों किया, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि जो मोल होता है, मोल यदि निकालते हैं तो मोल बराबर क्या होता है, किसी भी पदार्थ का मोल निकालना हो तो मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है ना, तो हम आसानी से जल का मोल भी यहां से निकाल, ये तो आपने जानते ही हैं, ये आप भाग दिया हुआ लिख ले रहा हूं इसको, ठीक है ये लिख जानते ही हैं आप। अब यहां पे हम निकाल ले रहे हैं जल का अणु भार, जल का अणु भार, अणु भार कैसे निकालते हैं, यानी H2O का मतलब 2 H1 1 H1 प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी ये हो जाएगा 18। अब यहां से जल के मोल निकाल ले रहे हैं, तो जल के मोल कितने हो जाएंगे, भार बटे अणु भार है ना,
भार बटे अणु भार। ठीक है बच्चों, अब भार कितना है, जल का भार आपने अभी निकाला है, देखिए तो ये हुआ 1000 ग्राम, है ना। अणु भार कितना है 18। अब जल के मोल यदि 18 में भाग देंगे तो ये आएगा 55.5 मोल। आप भाग देकर के देखिएगा, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, 55.5 मोल होता है जल के मोल में, यानी भार बटे अणु भार से निकालते हैं। तो ठीक है, तो ये परीक्षा में आपको डायरेक्ट रख करके निकाल भी सकते हैं, तो समय भी बचेगा और आसानी से हल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने जल का मोल निकाल लिया। ठीक है, अब चूंकि मोल अंश, अब हमसे पूछा क्या है कि जो विलयन है ना बच्चों, वो विलयन क्या है, यहाँ पे N2 गैस और जल का विलयन है ना, तो मोल अंश बराबर होता है, मोल अंश बराबर होता है विलेय का मोल बटे विलयन का कुल मोल, यानी N1 + N2, यानी मोल अंश बराबर होता है उस विलयन में विलेय के मोल बटे विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल, है ना। तो मोल अंश आपको दिया हुआ है बच्चों, देखिए तो यहाँ पे इसको आप लिख लीजिए, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि लेना है, तो फिर आगे इसको हल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, इसको जल का आयतन है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, मोल अंश बराबर N1 + N2। N1 क्या है, विलेय का मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक का मोल। मोल अंश का मान कितना है, 0.0129 बराबर। N1 तो हमें निकालना है, यानी N2 के मोल, जो आपका N2 गैस है उसका मोल निकालना है। अब देखिए, N1 + N2 क्या है, जल के मोल, यानी विलायक तो जल ही है, यहाँ पे लिख लिया। अब चूंकि ये देखिए, यहाँ पे जो N1 है, N1 क्या है, N1 जो है वो आपका क्या है, ये N1 का मान विलायक की तुलना में बहुत कम है, यानी N2 क्या है आपका, N2 जल है, जल के मोल है, और N1 जो गैस मिली हुई है, N2 गैस के मोल है। अब इस N1 की तुलना में है ना, N1 जो है N2 से काफी छोटा होगा, क्योंकि आप देख लीजिए 55.5 की तुलना में ये तो काफी छोटा है ना, तो इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, यानी 0.0129 बराबर N1 बटे 55.5, या N1 बराबर मिल जाएगा 55.5 × 0.0129। ठीक है, अब इसका गुणा कराइए, गुणा कराएंगे ना तो बच्चों ये आ जाएगा, कितना आएगा, मैं यहीं पे गुणा कर लेता हूं। ठीक है, 129 × 55.5, ठीक है, 0.5945 × 5, ठीक है, हासिल 4, 5 × 10 = 14 × 4 हासिल 1, 5 × 5 = 6, ठीक है, यानी 645 आ रहा है। ये भी 5, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 5, 4, 9, 6, 4, 10, 5, 15 हासिल 6, 4, 10, 1, 11, 1 हासिल 6, 7, कितने अंक के, 3 और 1 4 अंक के बाद 1, 2, 3, 4, है ना, ये आ जाएगा आपका 7.4। कैसे आएगा बच्चों, ये जीरो भी है ना बच्चों, ये देखिए यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, गुणा करेंगे आप तो आसानी से ये आ जाएगा जीरो, और जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5, 4, 6, 0, 5, 4, 6, 0, 3 हो गया, 5, 4, 9, 6, 4, 10, 5, 15, 1, 6, 4, 10, 11, 6, 1, 7, 0, 4 अंक के बाद 1, 2, 3, 4, है ना, यानी इतना आ गया 0.715। ये कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका N1 बराबर कितना आ जाएगा, 0.7159, ठीक है, इतना आया। अब चूंकि ये तो मोल आया है ना, मिली मोल में पूछा है, तो N1 बराबर मिली मोल में 1000 से गुणा करा देंगे तो 7.159 मिली मोल आ जाएगा बच्चों, मिली
मोल, यही आंसर है। और यही पूछा था हमसे बच्चों कि बताइए कि कितने मिलीमोल N2 गैस विलेय होगी, तो इतने मिलीमोल यानी 7.159 मिलीमोल विलेय होगी विलायक में। ओके, आशा करता हूं समझ में आया होगा, यदि नहीं आया तो कमेंट से बताइएगा। फिर से एक बार इसका हमने क्या किया, सिंपल, सबसे पहले हेनरी का फार्मूला आपने रखा, आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया, सिंपल, डेंसिटी बराबर आप जानते हैं भार बटे आयतन होता है, ठीक है। जल का घनत्व तो आपको मालूम है, जल का अणुभार भी निकाल लिए और मोल अंश का फार्मूला रख करके कैलकुलेट कर लिया। ओके, मिलते हैं फिर एक नए प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो